सो ही गाइस, दिस इज़ द प्योर गाइस। 2 दिनों से कोई अच्छा ऐसा गेम प्ले बन ही नहीं रहा था कि जो गेम प्ले खेलने के बाद लगे कि भाई मज़ा आ गया, क्या ही गेम प्ले था। देखो गाइस, वीडियो बनाने लायक तो गेम प्लेज बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट गाइस मुझे मज़ा आना चाहिए, ऐसा कोई गेम प्ले बन नहीं रहा था। इसलिए मैं परेशान था कि यार क्या हो रहा है, क्या गलत सीन हो रहा है। मैं सेफ खेलने लगा था थोड़ा ज़्यादा ही, बट कल गाइस कल एक गेम प्ले बन गया जिसमें भाई मज़ा ही आ गया। बहुत सारी किल्स निकाले, ब्रिज कैम किया, ब्रिज पे ही मीटा, बहुत सारी चीज़ें हुई गई वो गेम प्ले में। तो यही वो गेम प्ले है, तो सो एंड तक देखना गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस बंदे अक्सर पूछते हैं कि भाई तू यसना पे ही क्यों जाता है, हर बार तू यसना ही क्यों जाता है, वहाँ पे तेरी लोकेशन तो पता है लोगों को, बंदे तेरे को मारने आ सकते हैं। पहले तो गाइस बंदे ज़्यादातर मिस्टअप करने के लिए आते हैं, उसके बाद समझो अगर कोई बंदा मारने के लिए आ भी गया तो भी गाइस मैं हमेशा प्रिजन की ही बिल्डिंग पे नहीं, कभी साइड में ही जाऊँगा, इधर उधर भी जाऊँगा, वहाँ पे लूट लूँगा मैं, बट यसना ही जाऊँगा। क्योंकि गाइस यसना एक ऐसी जगह है, मतलब कि सबसे बड़ी जगह है गाइस वो जॉर्जो सिटी, वो पुरानी पीछे वाली जो सिटी है वो एक बड़ी सिटी है, बट वहाँ पे उतनी लूट शायद से उतनी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए वो जगह मुझे पसंद नहीं। बट ये जगह पे गाइस बहुत ही अच्छी लूट मिल जाती है, और छिपने की भी जगह है, फाइट करने के लिए भी जगह है। सो गाइस आपको जो करना है आप कर सकते हो, व्हीकल भी इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, गराज है पीछे की साइड, वहाँ से तो मैं कभी उठाता नहीं गराज से, बट पीछे की साइड से मुझे और व्हीकल्स मिल जाती है। सो यहाँ पे ओवरऑल गाइस सब कुछ अच्छा चल जाता है, जोन से भी जोन के लिए रोटेशन करना भी इजी है, सब कुछ इजी है, इसलिए मैं यहीं पे जाता हूँ हर बार। तो गाइस अभी भी मेरा प्लान था कि रास्ते से कहीं पे मैं व्हीकल उठाऊँ और वहाँ से मैं यसनाया पे जाऊँ, बट गाइस होता क्या है कि रास्ते में मेरे को कहीं पे भी कोई भी व्हीकल नहीं मिलता, तो मैं छोटे कंपाउंड्स वगैरह लूट लेता हूँ। एक और बात गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की तो गाइस वो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि हमने उस वीडियो में एशिया के नंबर 1 सोलो प्लेयर को मारा है। गाइस अभी चेकआउट मत करो, एंड में आप जरूर चेकआउट करना, क्योंकि एंड में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस तब तक वेट करना, ये वाला गेम प्ले एंजॉय करना। तो गाइस इस वाले कंपाउंड पे थोड़ी बहुत लूट करके मैं यहाँ से सीधा चलते हुए ही आगे वाले कंपाउंड्स लूट रहा था, इसी बीच एक बॉट भी मिल जाता है मुझे यहाँ पे। उसके बाद गाइस मैंने जोन देखा जो कि बना था पूरा मिलिट्री साइड, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा मुझे ब्रिज कैंप करने का, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ से पहले मैंने नीचे की साइड बग्गी रोकी, क्योंकि कभी कभार ऊपर के हाउस पे भी बंदे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे कोई नहीं था, उसके बाद मैंने ब्रिज चेक किया जहाँ पे मुझे कोई बंदा दिखा नहीं, कोई व्हीकल मुझे दिखा नहीं, तो मैं सीधा चला गया ब्रिज कैंप करने। तो गाइस मेरे सामने से एक व्हीकल जा रहा था, मुझे लग रहा था कि ये शायद से ब्रिज कैंप कर सकता है, बट ये रुका नहीं, ये सीधा ही चला गया। मैं इससे फाइट लेने के मतलब मैं रेडी था इसके साथ फाइट करने के लिए, बट ये रुका नहीं, ये आगे चला गया। तो गाइस आगे की साइड भी ब्रिज कैंप लगा हुआ था, बट गाइस उस बंदे का लक खराब था, क्योंकि गाइस जब हम ब्रिज कैंप करते तो हम किसी को भी जाने नहीं देते। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं अपनी बग्गी को कवर में लगा रहा था ताकि कोई बंदा देख ना सके, बट तभी एक व्हीकल आ जाता है। गाइस ये बंदा पता नहीं कैसे मारा, एंड की बुलेट्स कहाँ पे कैसे लगी कुछ भी नहीं, मैंने बस अंधा रेड डॉट से फायर दिया और ये बंदा मारा गया। इस वाले पे एक लाइक बनता है गाइस, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को। अभी के लिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं ब्रिज कैंप की तरफ। तो गाइस ऊपर के साइड से देखो एक फायरिंग का आवाज़ आया था मुझे बेरिल का। तो गाइस ये वाला बंदा भी यहाँ पे इजीली फिनिश हो जाता है। उसके बाद गाइस मेरा ध्यान था ऊपर की साइड जहाँ पे वो ब्लू हाउस है, क्योंकि वहाँ से बेरिल की आवाज़ कंटिन्यूसली मुझे सुनाई दे रही थी। तो मैंने वहाँ पे देखा ठीक से एक बार, तो बंदा दिखाई दिया और बंदा जंप करने लगा था गाइस, तो हमने भी उसे इशारा दे दिया भाई आ जाओ बोला उसको भी। तो गाइस इस वाले बंदे का नाम था रॉ सोनू, जिसने किलफीड में नाम देख के पहचान लिया और गाइस मीटअप करने आ जाता है फिर। और उसको मैंने एक इशारा दिया कि भाई ओपन में मत आ ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि आगे के साइड भी ब्रिज कैंप लगा हुआ है। बंदा भाई कूदते कूदते ही आ रहा था एकदम, तो इसके साथ थोड़ी सी बातें कर ली हमने। अरे हेलो ब्रो, हेलो ब्रो। अरे भाई मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। रॉ सोनू नाम है। तो गाइस यहाँ पे मैंने उसे बोला कि भाई जो मिडल वाला पार्ट है वो तुम ले सकते हो, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, बट आगे मत जाओ। तो वो जा रहा था, मैं स्टिल देख रहा था कि भाई कोई बंदा है या नहीं, मैं खबर फार देने के लिए ऐसे ही उधर स्कोप ADS खोल के बैठा था, बट वो जब पहुँचा तब मुझे भी अच्छा लगा, चलो भाई सेफ पहुँच गया बोल के। अभी अपना ब्रिज कैंप गाइस कंटिन्यू।
तो गाइज यहाँ पे दो इजी किल मिल जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा व्हीकल था गाइज, उसने गाड़ी रोक दी, वो समझ गया कि भाई ब्रिज कैम चालू है, तो उसने थोड़ा पेशेंटली काम लिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने सोचा कि वो मेरे ऊपर कुछ हरकतें करके, स्मोक्स वगैरह करके रश करने की कोशिश कर गया, इसलिए मैं भी थोड़ा आगे की साइड चला गया। तो यहाँ से मैं फिर से ब्रिज की तरफ देखने लगा कि कोई बंदा आ सकता है नहीं, पीछे की साइड एक बार क्लियर करना ज़रूरी था। तो गाइस एक और इजी किल, ये बंदा पता नहीं कैसे आ गया क्योंकि वो बंदा अभी भी पीछे ही था। तो गाइस यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता था कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्मोक्स वगैरह करके, बट देखो गाइस वो बंदा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे इस वाले बंदे को डैमेज तो मैंने दिया था काफ़ी सारा, बट गाइस ये वाला किल चला जाता है प्ले जोन को। और यहाँ पे गाइस मैंने सोचा कि अभी ब्रिज पे कोई होगा नहीं, क्योंकि जिस बंदे के साथ मैंने मीटअप किया था गाइज, वो बंदे ने आगे जाके ब्रिज काम तोड़ा, उसने आगे जाके एक हाथ दो किल्स और भी निकाले थे, बट स्टिल गाइज मैंने रिस्क नहीं उठाया, मैंने शॉर्टकट अपनाया, यहाँ से मैं उतर के सीधा जोन की तरफ निकल पड़ा। और आगे का गाइज रोटेशन आप देखो आप। तो गाइज मिलिट्री बेस में जो बंद प्लेन्स पड़े हुए रहते हैं तो वो सबसे बेस्ट कवर होता है, जब भी ऐसा जोन बने तो वो वाली पोजिशन पकड़ लेना आप। तो मैं बस जा ही रहा था और देख रहा था कि भाई कौन सा प्लेन पकड़ लूँ मैं यहाँ पे, तो बंदे दिखाई दे रहे थे गाइस, बंदों की व्हीकल्स वगैरह दिखाई दे रही थी मुझे, बंदे ऑलरेडी आ चुके थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो और आगे जाते हैं, और भी आगे प्लेन से, तो ये वाला प्लेन मुझे सही लगा और मैंने सोचा कि यहीं पर मुझे रुकना है। तो गाइज यहाँ पे मुझे पोजीशन तो मिल चुकी थी, अभी मैं बस देख रहा था इधर उधर कि कोई बंदा स्पॉट हो जाए, बट यहाँ पे गाइज मेरे नज़दीक एक बंदा था, मुझे ही नहीं पता था जहाँ पे मैं स्मोक कर रहा हूँ अभी। उसके बाद उसके मुझे फुटस्टेप आ जाते हैं। तो गाइज ये बंदा तो बहुत ही ईजिली फिनिश हो गया। उसके बाद उसकी क्रेट वगैरह लूटी मैंने। और इसी बीच गाइस पीछे की साइड में टीम अप वाले आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदे को तो मैंने मार दिया था, अभी एक और बंदा बाकी था गाइस। तो गाइज ये लास्ट बंदा था टीमो पॉलो का, तो इसको भी हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद मैं आगे की साइड देखता हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पे स्मोक में दो बंदे फाइट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनके ऊपर फायर लेते हैं, कोई बंदा लो होगा तो वो बंदा मारा जा सकता है। तो गाइस ये पीछे वाला बंदा बहुत देर से मेरे ऊपर शॉट्स ले रहा था, इसकी वजह से गाइस एक इजी किल मेरे सामने से चला गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार जोन आने वाला है, थोड़ी सी लूट वगैरह करके एमो वगैरह उठा के यहाँ से जोन की तरफ निकल पड़ते, बट देखो गाइस एक गलत सीन होने वाला है अभी।
तो गाइज वो बंदा मुझे ओपन में स्पॉट हुआ था, उसको मैंने शॉट्स लिए, बहुत शॉट्स लिए, वो प्रोन हो गया एंड मोमेंट पे। और गाइज ये वाले बंदे ने मौके का फ़ायदा उठा के मेरे को फिनिश कर दिया। बट गाइज गलती क्या हुई पता है, मेरी गन जब रिलोड पे लग गई तब मेरे मोमेंट्स एकदम स्लो हो गए थे, जिसकी वजह से इसको काफ़ी टाइम मिल गया और इसने मेरे को ईजिली मार दिया। तो डेथ रिप्ले देख सकते हो गाइज मैं कितना ज़्यादा ओपन में था वहाँ पे, अब देखो आप। तो गाइस डेथ रिप्ले में आप सीधा देख सकते हो कि मैं रिलोड की वजह से कितना एक्सपोज था उसके सामने और कितने स्लो मूवमेंट्स कर रहा था, इसलिए ये बंदा मेरे को इजीली फिनिश कर पाया। वैसे इस बंदे ने अच्छा खेला, अच्छे मोमेंट पे अच्छा थर्ड पार्टी किया और एक उसको इजी किल मिल गया। तो गाइस ओवरऑल ये वाला गेम प्ले अच्छा बन गया था। और गाइस आप लोगों को ये वाला गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और गाइस लास्ट वीडियो जो है जिसमें मैंने नंबर वन प्लेयर को मारा था वो वीडियो मैं अभी एंड में प्रोवाइड करूँगा, तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।